लेडीज सर, अब आज हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कैटेलिशन। कैटेलिशन क्या होता है, ये भी शॉर्ट नोट में क्या किया था पूछा जाता है। यस, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड। एंड कार्बन कंपाउंड में अब तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा किसके बारे में, फंक्शन ग्रुप के बारे में। व्हाट इज फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप क्या होता है, तो ये आपके शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि व्हाट इज फंक्शन ग्रुप एंड गिव सम एग्जांपल। तो ये शॉर्ट नोट आपने अच्छे से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अगला शॉर्ट नोट आपका क्या है, कैटेनेशन, जिसको क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। तो हेडिंग लगाइए, मेरे साथ हेडिंग लगाइए कैटेनेशन। चलिए फट से लगाइए। अगला शॉर्ट नोट है आपका कैटेनेशन, कैटेनेशन या इसे बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। ओके, सेल्फ लिंकिंग क्या है, अब देखिए यहां से आपको समझ में आ जाए सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या है, तो सेल्फ लिंकिंग का मतलब आपको मैं बताऊं कि जो अपने आप से चीजों को लिंक करता जाए। क्या करता जाए, सेल्फ मतलब अपने आप से, लिंकिंग मतलब क्या करता जाए, लिंक करता जाए। ओके, जस्ट एग्जांपल्स की बात करें, कार्बन देखिए जस्ट, कार्बन सेल्फ लिंकिंग करेगा कार्बन के साथ, फिर ये कार्बन सेल्फ लिंकिंग करेगा कार्बन के साथ, फिर ये कार्बन सेल्फ लिंकिंग करेगा कार्बन के साथ, फिर ये कार्बन सेल्फ लिंकिंग करेगा कार्बन के साथ। ठीक है, यानी कि अगर खुद के बीच में, खुद के एटम्स के बीच में क्या होता जाए, खुद के एटम्स के बीच में लिंकिंग होता चला जाए, तो इस कंपाउंड को, इस तरह के लिंकिंग को क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। तो ये क्या है, सेल्फ लिंकिंग। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लिंकिंग हो रही है, तो क्या इसे सेल्फ लिंकिंग बोलेंगे, नहीं, इसको सेल्फ लिंकिंग नहीं बोलेंगे। सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या है, सेल्फ लिंकिंग का मतलब है कि जब सेम टाइप के एटम, जब सेम टाइप के एटम आपस में लिंक करके एक लॉन्ग चेन का कंपाउंड बना दे, तो इस तरह की टेंडेंसी क्या कहलाती है, सेल्फ लिंकिंग कहलाती है। अब यहां पर क्या है, कैटेनेशन की यूज किया, क्या है, कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग या कैटेनेशन क्या है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि आप मेरे साथ डिफिनेशन, सेल्फ लिंकिंग की बातें, ये बातें सामने आ गई, यानी कि सेम टाइप के एटम्स जब आपस में क्या करें, लिंक करके एक चेन के रूप में बनते चले जाए, उसको क्या बोलते हैं, कैटेनेशन या सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। बोलो ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, एक बार कंफर्म करिए। ओके यस सर, यस सर। ओके, तो चलिए मेरे साथ हेडिंग, मेरे साथ डेफिनेशन लिखते जाइए, क्या लिखेंगे, कैटेनेशन, द टेंडेंसी टू, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ द सेम एटम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम एटम किसके साथ, सेम एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, कैसा चेन, लॉन्ग चेन ऑफ द सेम एटम, जैसे कार्बन 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 कार्बन, यस, सेम एटम, ओके, सेम एलिमेंट या सेम एलिमेंट बोल सकते हैं या सेम एटम बोल सकते हैं, सेम एलिमेंट या सेम एटम, ठीक है, सेम एलिमेंट या सेम एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन या
सेल्फ लिंकिंग सोचिए। अब ये एग्जांपल आपको समझ में अच्छे से आ गया, क्यों? क्योंकि आपने कार्बन को अपने ही एटम के साथ या कार्बन एलिमेंट को अपने ही एलिमेंट से आपने लिंक करते हुए क्या किया, लिंक के फॉर्म में देखा कि कार्बन कार्बन के साथ अटैच होता जा रहा है। हाँ, अब अटैचमेंट में आपको पता है कि बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रहा है, या कार्बन जो है डबल डबल बॉन्ड से अटैच हो रहा है, या जो कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो रहा है। तो ये चीजें देखने में आती है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, लिंक जरूर कर रहा है। तो यानी कि क्या हो गया, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग, फिर फोकस करिएगा लॉन्ग ऑफ द सेम एलिमेंट, दैट इज कीवर्ड ऑफ द हेडिंग, ठीक है, कीवर्ड ऑफ द डेफिनेशन इज कॉल्ड द कैटेनेशन या सेल्फ लिंकिंग। ओके, अब बात करते हैं कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन फॉर्म, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बन फॉर्म लॉन्ग, कार्बन फॉर्म लॉन्ग नंबर, कार्बन फॉर्म लॉन्ग नंबर, लॉन्ग नंबर ऑफ, लॉन्ग नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ड्यू टू, ड्यू टू इट्स, ड्यू टू इट्स यूनिक, ड्यू टू इट्स यूनिक पावर ऑफ कैटेनेशन, कैटेनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग। देखिए आपको बता दिया गया, क्या बता दिया गया, क्या बताया गया, कार्बन फॉर्म लॉन्ग, एल ओ एन जी एल लॉन्ग है, कार्बन फॉर्म लॉन्ग नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि जो कार्बन है ये बड़े बड़े कंपाउंड, पता है मेथ हो सकता है, एथ हो सकता है, एथ हो सकता है, प्रोप हो सकता है, ब्यूट हो सकता है, पेंट हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, कार्बन बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन बॉन्ड बना रहा है। तो यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि कैटेनेशन क्या होता है, कौन सा कंपाउंड है या नोट है, नोट का पॉइंट नंबर वन है, याद रखिएगा, कार्बन फॉर्म लॉन्ग नंबर ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इज यूनिक पावर ऑफ कैटेन। ओके, तो बताइए ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, ठीक है। अब देखिए कार्बन जो है, कार्बन हो गया, ठीक है, टू फॉर्म कैटेनेशन, टू फॉर्म लिंकेज, कार्बन कैन बी कंबाइंड बाय द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और बॉन्ड। तो सबसे पहले ये आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं, अगर नहीं लिखा तो शॉर्ट yes, लिखिए, फिर आगे लिखिएगा, yes, फिर आगे लिखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को फर्स्ट बता दीजिए मुझे, सोचो, अगर सोचो अगर तुम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर ना पढ़ा होगा और पहले तुम थ्रेडिंग को पढ़ रहे होते तो क्या ये बातें इतनी अच्छे से कनेक्ट कर पाते तुम लोग, बताओ? नो सर, नो सर, नहीं सर, नो सर। आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अभी देखो कितने अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर रहे हो। अब आगे आते हैं, ये पॉइंट नंबर वन है, नोट का पॉइंट नंबर वन, नोट का पॉइंट नंबर टू देखिए, नोट का पॉइंट नंबर टू, नोट का पॉइंट नंबर वन हो चुका है, अब नोट का पॉइंट नंबर टू देखिएगा, क्या देखेंगे, लिखिए उसमें, कार्बन एटम मे फॉर्म, कार्बन एटम मे फॉर्म सिंगल, सिंगल डबल, सिंगल डबल ओआर और ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम ओआर और अदर एलिमेंट such as
ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसको तुम लोग एच समझ रहे होगे नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस इत्यादि। आओ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। देखिएगा कार्बन पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ठीक है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब आ जाओ ये देखो कार्बन ने क्या किया ऑक्सीजन के साथ क्या बंधन बनाया, डबल बॉन्ड बनाया नहीं बनाया बताओ, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड बनाया डबल बॉन्ड डबल। उसके बाद अगला देखो बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ठीक है। तो यही तो मैंने बताया कि कार्बन एटम्स में फॉर्म सिंगल सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद विद अदर कार्बन एटम और अदर एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस एक्सेट्रा। बोलो ये टॉपिक ये हेडिंग सॉ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ क्लास। यस सर यस। ओके नोट डाउन करिए फर्स्ट टेक अ शॉर्ट स्क्रीन हो गया सर। अच्छा अब ध्यान से समझिएगा एक बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर एक बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट बताना जा रहा हूँ जो नोट में आपको समझना है ठीक है। क्या समझना है याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें जो बॉन्ड का नेचर होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में होता है यानी कि जो लिंकिंग है कार्बन की लिंकिंग समझिएगा जब कार्बन बॉन्ड की लिंकिंग यानी कि कार्बन की लिंकिंग कार्बन से हो रही है यानी कि कार्बन की लिंकिंग कार्बन से होती जा रही है यानी कि कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड से जुड़ते चले जा रहे हैं या कार्बन एटम दूसरे तरह के एटम के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं तो दोनों तरह के कंपाउंड्स में यानी कि कार्बन एटम जब सेम टाइप के कार्बन एटम से लिंकेज कर रहे हैं जुड़ रहे हैं बाय द डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या जब कार्बन अदर एटम्स के साथ जुड़ रहा है तो इसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्गर होगा या कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन या अदर एटम के साथ बन रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखिएगा तो मैं बता दूं आपको नोट में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा कि कार्बन 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 बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनस्टेबल अनस्टेबल दैट इज वेरी रिमार्केबल पॉइंट। ओके दैट इज वेरी वेरी रिमार्केबल पॉइंट। याद रखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है यह बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है किसके कंपेयर में इसके कंपेयर में बताइए ये रिमार्केबल पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। यस सर यस सर यस सर वेरी गुड वेरी गुड। ये भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ओके यस सर ठीक है। तो अब आप लोगों को कैटेनेशन या सेल्फ लिंकिंग क्या होता है ये भी समझ में आ गया ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया बताइए क्लास। आज आप लोगों ने बैक टू बैक दो टॉपिक पढ़ा पिछले वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा फंक्शन ग्रुप और इस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा किसके बारे में व्हाट इज कैटेनेशन। याद रखिएगा एग्जाम में लगातार यह शॉर्ट नोट में पूछा जा रहा है व्हाट इज कैटेनेशन गिव एग्जाम्पल व्हाट इज फंक्शन ग्रुप गिव एग्जाम्पल
तो अगर क्वेश्चन शॉर्ट आउट में आ गया तो आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताइए क्लास कर पाएंगे? यस सर, आप लोग इसे कर पाएंगे। ओके नोट करिए, माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। चलिए क्लास, तो अब अगला जो हमारा हेडिंग होने वाला है वह कौन सा हेडिंग होने वाला है? होमोलोगस सीरीज, यानी कि तीसरा जो शॉर्ट आउट होने वाला है हमारा कौन सा होने वाला है? होमोलोगस सीरीज होने वाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस होमोलोगस सीरीज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से आपके शॉर्ट आउट तो बनेंगे ही। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज एग्जाम्पल, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहां से अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चार पांच कंपाउंड दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा होमोलोगस है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उन्हें मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जब ये पढ़ाया जा रहा है तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये आज के वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए कम से कम हमें कितना टाइम चाहिए? कम से कम एक घंटे का टाइम चाहिए डेफिनेशन समझाने के लिए और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। ओके, आज से दो टॉपिक, दैट इज फंक्शन ग्रुप एंड कैटेनेशन या सेल्फ लिंकिंग। ओके क्लास, तो बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, यस सर, आ गया। ओके ओके क्लास, चलो ओके, माइक बंद, माइक बंद, चलो ओके। थैंक यू सो मच ज्वाइन दिस क्लास। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई है, समझाई गई है, आप लोगों को समझ में आ रही है। ओके, तो अगर ये वीडियोस आप YouTube पे देख रहे हैं या ये वीडियो आप इंस्ट्रूमेंट पे देख रहे हैं, तो मेरी ऑनलाइन क्लास से आपको जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 8957386777 पे क्या करना है? आपको मैसेज करना है। क्या लिखना है? अपना नाम लिखना है और अपना क्लास और उसमें एंट्री लिख के भेज देना है, आपको इस क्लास में जोड़ लिया जाए। यस, आपको इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जोड़ लिया जाएगा। और आपको इस क्लास में, जैसे कि आप टेंथ में पढ़ रहे हैं, तो आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपको केमिस्ट्री में आपका सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। ऑनलाइन क्लास की आपको टाइमिंग बता दी जाएगी और टाइमिंग के साथ साथ आपको क्या किया जाएगा, इसके रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास से जुड़ सकते हैं। यस, मैंने बोला बहुत ही कम अमाउंट, इन द सेंस सिर्फ 1000 रुपीज में पूरी साल आप 10th क्लास की केमिस्ट्री का कर सकते हैं ऑनलाइन, मेरे यानी कि रमाकांत सर के साथ क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.